हेलो, माय सेल्फ जितेंद्र सिंह सर, और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आईटी एडवांस 2022, जो कि क्यूमिन प्रोसेस, फ्यूडल क्राफ्ट और स्टॉक्यूमेट्री, ये बेटा इन चीज़ों, इन कॉन्सेप्ट्स को मिला के बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि बेटा ये क्वेश्चंस कोई मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि डिफिकल्ट है, और हाँ एक आसान और मॉडरेट के बीच में कहीं स्टैंड करता है। लेकिन एक बात जरूर है बेटा कि इस बार का जो आईटी का में पेपर जो लिखा गया वो मेनली उन बच्चों के लिए लिखा गया जिनको रीडिंग करने की आदत है, जिनको क्वेश्चन पढ़ने में मजा आता है, जिनको क्वेश्चन को समझने में मजा आता है। ठीक है, ये उनके लिए नहीं था जिनको बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना था, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं था। हाँ, एक रीडिंग वाली बात थी जिसकी वजह से एक लेंथी प्रोसेस हो रहा था। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आपके सामने कुछ बातें रखूंगा कि जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने कहा कि 15 मोल एसिटिलीन लिए। ठीक है, अब यदि 15 मोल आपके पास एसिटिलीन है और कितने मोल आपका डी बनेगा, इसके इनकी सबकी ये क्या दे रखी है, यील्ड दे रखी है। ये रिएक्शन आपकी सिंपल एरोमेटाइजेशन जिसमें एक एसिटिलीन एरोमेटिक बेंजीन में कन्वर्ट होती है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये क्यूमिन प्रोसेस है, ये आपकी एसिलेशन है। चलिएगा 15 मोल से रिएक्शन का स्टार्ट करते हैं। 15 मोल से बेटा मैंने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया, यदि 15 मोल से मैं लेता हूं तो निश्चित तौर पे 3 मोल से इसके एक यानी कि 15 से 5 बनने चाहिए, राइट। लेकिन ये 15 से 5 तब बनेंगे जब यील्ड 100% है, लेकिन यील्ड तो यहां पर 80% है, तो इसका मतलब ये है कि यहां जो मोल बनेंगे वो आ जाएंगे इंटू 80/100 यानी कि 4 मोल बनेंगे, राइट, 4 मोल बनेंगे। अच्छा, इसके यानी कि इसके आपके 4 मोल बन गए। अब यदि मैं आगे जरा इसको ध्यान देखूं तो इसके 4 मोल से, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके 4 मोल से मेरे इसके भी 4 मोल बनने चाहिए, लेकिन इसकी यील्ड, क्योंकि क्यूमिन प्रोसेस है तो, और इसमें यील्ड 50% है, यानी कि बनेंगे कितने इंटू 50/100 यानी कि 2 मोल। अब इसके, अब आप देखिए बेटा, इससे अगला जो स्टेप है वो भी 50% जिसके अंदर एसाइलेशन होने जा रहा, सॉरी, ठीक है। तो अब बेटा यहां से आपने क्या किया कि अब ए, ये क्यूमिन प्रोसेस, ये पहला था फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट था, अब ये आपका क्यूमिन प्रोसेस, क्यूमिन प्रोसेस भी, यानी कि यहां आपने 2 मोल बनाए थे, अब 2 से कितना बनेगा 1, इसका 1 मोल बनेगा। अब इसके बाद ये जो प्रोसेस है ये एसाइलेशन है, ये 100% है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। तो यदि इसके 1 मोल से 1 मोल, तो मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं 1 = W/136। 136 क्या है, ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है, तो W आ जाएगा 136 ग्राम, तो D इज द करेक्ट आंसर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यदि आपने इसको, चाहे वीडियो आपको यदि बहुत अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अगली बार एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा। लेकिन यदि आप ये सब इस वीडियो को लाइक करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यदि अच्छा होने पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा ना लगे और तब ये काम, अच्छा होने पर ऐसा करिए, हाँ अच्छा होने पर भी यदि आप ऐसा नहीं करते तो हमारा उत्साह गिरता है, तो हम अच्छी वीडियो बनाने में अगली बार थोड़ा हमें दिक्कत आती है। तो ठीक है, चलिए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं नई वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।